आने वाले वक्त में आप देखेंगे जो एक के बाद एक जो ऐसे फैसले हुए हैं और जिस रूप में इन्होंने इशू बेस राजनीति नहीं करके डेमोक्रेसी के अंदर इशू बेस आप कैंपेन करो, ये आपने नोट किया होगा। हमेशा ये आम जनता को उद्वेलित इशू कौन से कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, बेकारी कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं, इकोनॉमिक काम धंधे ठप पड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे देश में माहौल बन गया हिंसा का, भय का इशू है। इसको एड्रेस करने की बजाय अगर बीजेपी वाले खाली वो थोपना चाहेंगे राष्ट्रवाद, पूरा देश राष्ट्रवादी होता है, हम सब राष्ट्रवादी, 370 राम मंदिर, तो जनता जानती कि राम मंदिर का मुद्दा 30 साल से चल रहा है। तो अब जनता ने जो अभी इनको जवाब दिया महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उनके परिणाम वो आए जो कि एक सबक सिखाने वाले थे। बाय इलेक्शन हुए जहाँ जहाँ, इवन गुजरात के अंदर 3 बाय इलेक्शन कांग्रेस जीती है वहाँ पर असेंबली के, राजस्थान में हम लोगों ने शिकस्त दी इनको मंडावा झुंझुनू के अंदर, और नागौर की भी हम हार नहीं मानते अपनी, 57,000 से हम 4,000 पे आ गए। कहने का मतलब ये कि आज भी मैं कहना चाहूँगा बीजेपी को चाहिए कि आप सत्ता संभाले हुए देश के अंदर, आप इशू देश में कौन कौन से हैं जनता के उसको आधार बना के आप बात कीजिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी सोच है, क्या आपके फैसले होने जा रहे हैं, क्या होंगे, जो एक्सपर्ट है कंट्री के इकोनॉमिस्ट है वो जो बता रहे हैं क्या हालात है देश के अर्थव्यवस्था को लेकर के, उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हो, उनको आप तवज्जो दे नहीं रहे हो, वो अब हम गवर्नमेंट में चल रहे हो, ये अच्छी परंपरा नहीं लोकतंत्र के अंदर, मेरा मानना ये है। और आप आंकड़े छिपा रहे हो, NSSO के आंकड़े पूरे देश के अंदर मैंने खुद ने देखा, जब छिपाए गए पार्लियामेंट चुनाव के पहले बेरोजगारी के, चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, मेंबर ने इस्तीफा दे दिया, एक भी अखबार ऐसा नहीं होगा देश का मुख्य मुख्य अखबार जो हैं जिनके संपादकीय नहीं आए हों उस बात को लेकर के, एक आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आगे की योजनाएँ बनती है विभागों की, राज्यों की और केंद्र की, छिपाने का क्या अधिकार आपको, वही आंकड़े चुनाव समाप्त हुए सरकार बनी वही आंकड़े आपने जनता के सामने प्रस्तुत कर दिए। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं फैसले हैं उससे जनता ऊब चुकी है, उसके कारण से आप जो कह रहे हो सिकुड़ते जा रहे हैं, जिस स्थिति बनी है। दो तिहाई जो निकाय हैं उन पे निकाय प्रमुख कांग्रेस के बने हैं, आगे पंचायत चुनाव भी अब उम्मीद करते हैं पंचायत चुनाव में भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, आगे चुनाव और आएंगे वापस नगर पालिका नगर परिषद नगर निगमों के, उसमें कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि जनता ने एक विश्वास प्रकट किया है, अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम कैसे विश्वास पे खड़े उतरे हैं। तो मैं कह सकता हूँ मैं या मेरे मंत्रिमंडल के साथी या मेरे विधायकगण या जनप्रतिनिधि जो भी हैं हमारे कार्यकर्ता हैं उन सब की हमारी ड्यूटी बनती है हम जनता की आशा अपेक्षा पे खड़े उतरने के लिए काम करें दिन रात, ये मेरा मानना है। वो घटना तो लंबे समय तक जनता के दिलो दिमाग में याद रखी जाएगी, जिस रूप में रात के अंधेरे के अंदर राज्यपाल महोदय रिकमेंड कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का, प्रधानमंत्री जी बिना कैबिनेट बुलाए हुए रिकमेंड कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय पता नहीं उस वक्त क्या कर रहे थे, वो तकलीफ दी होगी उठाने की, साइन करवाए होंगे, और उसके बाद में सुबह 5:47 पर राष्ट्रपति शासन समाप्त, 8 शपथ मिस्टर फडणवीस की और अजीत पवार जी की, और 8:15 प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट,
बधाई के लिए। तो पूरी सीक्वेंस जो है वो बताती है कि आप देश को किस दिशा में लेना चाहते हो। इस प्रकार की निर्णय से मैं समझता हूँ कि इन सब ने अपनी प्रतिष्ठा खोई है। इन सब जो संस्थाएँ हैं, ये सब संस्थाएँ हैं, ये प्रधानमंत्री पद एक संस्था है, गृह मंत्री एक संस्था है, राज्यपाल महोदय एक संस्था के रूप में, और राष्ट्रपति महोदय हम सबके राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी गरिमा गिराने का अधिकार किसी को नहीं देश के अंदर, और जो गिराएगा जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। कल से सर विधानसभा का भी सत्र है, क्या कामकाज रहेगा? संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुलाया गया है, क्योंकि 70 साल हो गए संविधान बने हुए, संविधान दिवस 26 को था, उसके उपलक्ष्य में बैठ करके तमाम मेंबर साहबान लेखा जोखा करेंगे कि हम 70 साल में संविधान की किस हद तक रक्षा कर पाए हैं, कहाँ चूक हुई है या क्या, और इसमें अच्छे फैसले हो सकते थे। तो मैं समझता हूँ एक प्रकार से 70 साल का लेखा जोखा करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पक्ष विपक्ष संविधान की गरिमा को, मर्यादा को और कैसे बढ़े उनको ध्यान में रख के ही तमाम तरह के अपने कमेंट्स करेंगे, और वो करना चाहिए। ये कोई प्लेटफॉर्म पक्ष विपक्ष को निशा दिखाने का नहीं होना चाहिए। अगर गलतियाँ करी है किसी पक्ष ने, आप पॉइंट आउट कर सकते हो, पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा, उसमें हर्ज भी नहीं है। पर आप अगर राजनीतिक रूप से एक दूसरे को निशा दिखाने का काम करोगे, तो असली मकसद है असेंबली बुलाने का, वो मकसद पूरा नहीं होगा, मेरा मानना है।